पीपल्स पार्टी को मीसाक़े मईशत से पहले हिसाबे करप्शन देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर कराची का इलेक्शन पीपी के लिए गले का कांटा बनेगा, ना निगल सकेंगे और ना उगल सकेंगे। इस मेयर को जाना होगा। कराची मेयर का इलेक्शन तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पाकिस्तान में चलने वाली है। और हाफिज नईम के इल्जाम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब। मुर्तजा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया एआरवाई को आपने वक्त दिया। सर, इल्जाम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हाफिज नईम कहते हैं कि मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गले का कांटा बन जाएगा, ना निगल सकेंगे और ना उगल सकेंगे, और इस मेयर को जाना होगा। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, हाफिज नईम साहब काम करने पर तो बिलीव नहीं करते, वो इल्जाम की सियासत पर बिलीव करते हैं और वही सिलसिला उन्होंने आज भी जारी रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि जिस शख्स ने अपनी सियासी जमात के या अपनी अलखिदमत जो इनकी फाउंडेशन है उसके करोड़ों अरबों रुपए अपनी इलेक्शन कैंपेन पे लगा दिए हैं और उसके बाद भी वो मेयर के अहदे पर नहीं पहुंच पाया, तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ हवास बाख्ता इंसान हो जाता है और इसीलिए आज बहुत ज्यादा बेहूदा इल्जाम भी उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ऊपर लगाए जिसने उन्होंने मेरे बारे में बात की है। मैं तो सच्ची बात है आगे का देखना चाहता हूँ, बेहतरी का सोचना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन हाफिज नईम साहब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तैयार किया हुआ है कि अगर वो मेयर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ना कराची मैटर करता है, ना कराची की आवाम मैटर करती है, ना कोई सियासी जमात मैटर करती है। अगर कोई शख्स मैटर करता है तो हाफिज नईम और रहमान है। मैं समझता हूँ ये शहर नईम और रहमान से बड़ा है, इस शहर की आवाम नईम और रहमान से बड़ी है, इस शहर की जो सियासी जमातें वो नईम और रहमान से बड़ी है और इंशाल्लाह नईम और रहमान साहब इसी तरीके से बातें करते रहेंगे। हम जो खिदमत का सिलसिला है, काम का सिलसिला है, उसी के ऊपर गामजन रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब आपके वक्त के लिए।